मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्ज लेने की सीमा पार कर दी है। अब केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार के लिए तय करेगी सीमा जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले पाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की या यूं कहें कि प्रदेश की जीडीपी के आधार पर यह सीमा तय होगी, यानी कि नए वित्त वर्ष में अब प्रदेश सरकार कर्ज नहीं ले पाएगी। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। राज्य सरकार पर कर्जा लगातार बढ़ रहा है। शिवराज सरकार से लेकर मोहन सरकार हर दूसरे महीने कर्जा लेती नजर आ रही है। मोहन सरकार की बात करें तो नई नवेली सरकार अब तक 4 बार कर्जा ले चुकी है और अब आपको बता दें कि प्रदेश की जो कर्ज लेने की सीमा है वो पार हो चुकी है। अब केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के लिए शुद्ध उधार सीमा तय करने वाली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार अब नया कर्ज नहीं ले पाएगी। जब तक केंद्र सरकार राज्य की शुद्ध उधार सीमा तय नहीं करेगी तब तक प्रदेश सरकार अब नया कर्जा नहीं ले सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शुद्ध उधार सीमा नई नहीं होगी, ये लगभग 45,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। वहीं ये भी आपको बता दें कि पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है और इस पर जल्द ही प्रतिक्रिया की उम्मीद भी की जा रही है। दर्शकों को बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह ही शुद्ध उधार सीमा तय करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वहीं अगले कुछ दिनों में इसका जवाब मिलने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा कर्ज लेने को लेकर संविधान क्या कहता है, तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 293 के अनुसार केंद्र अगर किसी राज्य को कर्ज देता है और राज्य सरकार के पास उस ऋण का कुछ हिस्सा अभी भी बकाया है तो वो राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना ऋण नहीं ले सकता, यानी कि कर्ज नहीं ले सकता। पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी नई सरकार को विरासत में 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मिला है और उसने नवंबर से लेकर मार्च तक 17,500 करोड़ रुपए का नया कर्जा लिया है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की मुश्किल बढ़ रही है और अब जो है केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करेगी और शुद्ध उधार सीमा जो है वो तय करेगी। वही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और तमाम दूसरी जो योजनाएं हैं उनके पूरा करने के लिए राज्य सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि शुद्ध उधार सीमा तय होने के बाद इन तमाम योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि राज्य सरकार की मुश्किल जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि अब केंद्र सरकार जो है वो शुद्ध उधार सीमा तय करने वाली है। इसको लेकर माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में फैसला आ जाएगा। मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक आप तक लेकर आएगा। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।